Hi friends, happy Diwali! Happy Diwali to all of you. Welcome to Anna's Recipes. How are you friends? How are you guys? कैसे हैं आप लोग? Diwali ki bahut 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 sari shubhkamnaen aap sabko aur aap sabke family members ko. फ्रेंड्स दिवाली है और दिवाली पे आज डेजर्ट बनाना तो बनता ही बनता है क्योंकि हमने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत भी डेजर्ट सीजन से की थी तो इस दिवाली पे आपके साथ मिलके एक और मजेदार डेजर्ट बनाते हैं. हे फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द रेसिपीज. सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कटोरी बेसन, एक कप बेसन और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के एक पतला घोल बनाएंगे. पानी थोड़ा थोड़ा मिलाना है जिससे कि इसमें गुठलियां ना पड़े. करीब 3/4 से एक कप पानी लगेगा इसमें और एक पतला सा घोल बना लेते हैं. ये देखिए ये घोल एकदम रेडी है. इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं. अब एक पैन में हम मावा लेते हैं. मैंने लिया है करीब एक कप मावा. इसे हमें भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही भूनना है क्योंकि हम इसे बाद में भी भूनेंगे. तो इवनली से भून लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं. ये देखिए भून गया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं. अब उसी पैन में हम एक कप चीनी और एक कप पानी चढ़ाते हैं एक तार की चाशनी के लिए. और जब तक ये चाशनी बन रही है हम अपने मावे में करीब 1/4 कप कोको पाउडर मिला के मिक्स कर देते हैं. धीरे धीरे मिलाना है, एक साथ सारा नहीं मिलाना. और इसे अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर दीजिए. अपनी चाशनी पे आते हैं, चेक करते हैं अपनी चाशनी की रेडी हो गई है. ये देखिए एक तार इसमें आने लगा है इसलिए चाशनी एकदम रेडी है. एक पैन में चढ़ा देते हैं घी और जो हमारा बेसन था उससे बनाते हैं बूंदी. हमें घी को गरम करना है और फिर स्लो गैस पे इस बूंदी को बनाना है. देखिए जब ये बूंदी हल्की सुनहरी हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे और डायरेक्ट आप इसमें से निकाल के चाशनी में डालिए. ये देखिए डायरेक्ट इसको चाशनी में मैं डाल रही हूँ. सारी बूंदी मैंने चाशनी में डाल ली है. इसको 2 मिनट अच्छे से भिगो के हम प्लेट में निकाल देंगे अलग से. सारी बूंदियां मैं निकाल देती हूँ. ये देखिए अब एक कढ़ाई में मैंने ली एक कप सूजी और इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे. और अब डालेंगे 1/4 कप घी. और अब सिम गैस पे सूजी और घी को हमें भूनना है करीब 7 से 8 मिनट जब तक कि खुशबू हो जाए, हल्का सा मिक्सचर सुनहरा हो जाए. भूनेंगे इसे, चलाते रहेंगे लगातार. ये देखिए एकदम भुन गया है. अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे दूध. 2 कप दूध डालना है, जितनी सूजी है उसका डबल दूध लेना है. फुल क्रीम दूध लिया है मैंने. दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं. अगर आपको गुठलियां दिख रही हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चलाते जाएंगे गुठलियां अपने आप घुल जाएंगे. ये देखिए इसको चलाते हुए 5 से 7 मिनट सिम गैस पे हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से चल गया है. अब इसमें मिलाएंगे 1 कप चीनी. इस चीनी को हमें अच्छे से मिलाना है और भूनना है साथ साथ. गैस हम मीडियम से स्लो ही रखेंगे. ये देखिए चीनी एकदम मिक्स हो गई है. अब इसमें मैं रोस्टेड बादाम का पाउडर, इस बादाम को मैंने रोस्ट किया है गैस पे और फिर इनको पीस लिया है, ये है करीब 1 कप. अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे 3 से 4 मिनट और. और जब ये भुन जाएगा और घी छोड़ने लगेगा तब ये रेडी हो जाएगा. इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, मिक्स कर देते हैं अच्छे से. और देखिए इसने घी छोड़ दिया है, अब ये रेडी है निकालने के लिए. गैस बंद कर दीजिए. एक पैन में मैंने 5 मिनट पेपर लगा दिया है और घी से इसे ब्रश कर देती हूँ.
जिससे मुझे इसे निकालने में आसानी होगी। और अब इस मिक्सचर को मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, स्पैचुला की मदद से मैं सारा मिक्सचर निकाल देती हूँ और इवनली इसे स्प्रेड कर देते हैं। इसे दबा दबा के बहुत इवनली स्प्रेड करना है। और अब इसे आप रेफ्रिजरेट कर दीजिए या 30 से 40 मिनट के लिए रख दीजिए। अब उसी कढ़ाई में हम कोको मिक्सचर डालते हैं हमारा प्रिपेयर किया हुआ। इसे 2 मिनट चलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे करीब चीनी, ये है 3/4 कप चीनी। अब इसे मिलाएंगे जब तक ये चीनी अच्छे से घुल जाए और ये घी छोड़ दे। ये देखिए चीनी घुल गई है, मिक्सचर ने घी छोड़ दिया है, ये रेडी है। गैस बंद कर दीजिए और अब इसे इसी मिक्सचर के ऊपर हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको इवनली स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखिए अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। वैसे तो ये वैसे भी जम जाएगा, लेकिन आप स्प्रेड कर दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये निकाल के इसकी काट लीजिए आप पीसेस अपनी इच्छा के हिसाब से। इसके ऊपर रखिए हमारी प्रिपेयर्ड बूंदी। बूंदी को और साइड में रख देते हैं। गार्निश कर देती हूँ इसको क्रीम के साथ। ये क्रीम के साथ बहुत सुंदर लगेगा और खाने में आप चाहें तो क्रीम और ज़्यादा डाल सकते हैं। खाने में क्रीम के साथ ये बहुत टेस्टी लगेगी। ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दिए और ये देखिए हमारी स्पेशल मिठाई एकदम रेडी है। ये मिठाई आपको किसी रेस्टोरेंट में कहीं किसी स्वीट शॉप पर नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ आपको मिलेगी एनाज रेसिपीज़ पर। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपको ये कैसी लगी। फ्रेंड्स आई होप आपको ये डेजर्ट पसंद आएगा। दिवाली के बाद भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमने फैमिली के साथ मनाते हैं। आप प्लीज़ इस डेजर्ट को बनाइए, खाइए, मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा और बहुत 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 मज़े से दिवाली बनाइए। वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।